युवा है। आप 2014 से केंद्र में सरकार में हैं पूर्ण बहुमत के साथ, 2017 से आपको मंत्रालय मिला है, आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए नहीं बुलाया गया। आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को आपने लेटर पैड पे लिख दिया कि हमारा एक क्षेत्र है वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया। तो ये जानकारी होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मैं मास्टर किया हूँ और साथ ही पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है और नियम आवश्यक है। नियम आवश्यक इसलिए है क्योंकि उस नौकरी पर सबका अधिकार है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरी एनटीपीसी सरकारी कंपनी, अब उसमें कोई भी बहाली हो बहाली इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है राष्ट्रव्यापी, बहाली नहीं, क्योंकि ये नेशनल कंपनी, तो तमिलनाडु का हो, असम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें फिर मेरिट और रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये हम कहेंगे कि हम मंत्री हैं तो हमारे जिला से सिलेक्शन हो, ये नहीं होता। ये सुरक्षा ये होता है, ये जहां पर कि मुख्य कानून चलता है, यहां पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहां पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है ना, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर बहाली करती है वो भी ये अपने मेरिट के अनुसार, उसमें भी अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार करता होता है, तो यहां के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। सर सुनिए ना, नौकरी 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 के लिए नहीं बोल रहा, नौकरी के लिए नहीं, यहाँ फैक्ट्री एनटीपीसी एक भी नहीं है। बाढ़ 2005 बिहार में बाढ़ एनटीपीसी जो है 2005 में स्थापना किया गया, आपके मंत्रालय उधर रहते हुए भी आप खुद एक भी डिस्ट्रिक्ट में। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।